विंटर में गार्डन को फूलों से भरने के लिए फटाफट सर्दियों के बीज लगा लीजिए। हेलो दोस्तों, आपका मेरे गार्डन में स्वागत है। तो चलिए सर्दियों के फूलों के जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे बीज कैसे लगाएं। तो उसके पहले बात करते हैं सबसे पहले सोयल मीडिया, किस मीडिया में जो है हम बीज लगाएं। तो यहाँ पे जो मैंने ली है 50% गार्डन सोयल ली है और 50% क्या है मैंने कोकोपीट ली है, इकट्ठे मिला के मैंने जो है बना लिए है मिट्टी। अब क्या है ये देखिए, 4 इंच का जो है मैंने नर्सरी पॉट लिए हैं, इनमें ड्रेनेज होल जो है लेकिन ये ब्लॉक हुआ पड़ा है। तो इसको क्या है थोड़े से हम ओपन कर लेते हैं, सारे के सारे ओपन नहीं करूंगी मैं, 2 से 3 कर दूंगी क्योंकि ज्यादा ये जो है होल हो जाते हैं। बस देखिए हो गया। अब हम इसमें जो है मिट्टी फिल कर लेंगे। मिट्टी देखिए बिल्कुल हल्की है, आप चाहें तो सिंपल सैंड में भी जो है आप बीजों को जो है लगा सकते हैं या नॉर्मल गार्डन सोयल में भी जो है बीजों को लगा सकते हैं। बस ध्यान रखिए चिकनी मिट्टी में जो है आपने बीजों को नहीं लगाना है, नहीं तो क्या है बीज सही तरीके से जो है ग्रो नहीं हो पाते। और मैंने क्या है लास्ट ईयर के अपने ही गार्डन से बीजों को जो है सेव करके रखा हुआ है। तो ज्यादातर जो है मैं पिटूनिया के बीज जो है लगाने जा रही हूँ। और ये रहा अनियन का, तो अनियन का क्या है मैंने तो जो है लगा ली है तो इसके लिए मैं हटा लेती हूँ, स्किप कर देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये है पिटूनिया के, और बाकी सारे पिटूनिया के बहुत सारे मेरे पास सीड है। तो पिटूनिया के जो है वैरायटी वाइज जो है मैं लगा लेती हूँ। तो पहले इनको मैं खोल लेती हूँ। उससे पहले देखिए सारे के सारे पॉट में मैंने मिट्टी फिल कर ली है। अब मिट्टी को थोड़े से जो हम सरफेस है ऊपर का जो लेयर होता है उसको हमें बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि जो बीज है काफी बारीक होते हैं इसीलिए बिल्कुल इक्वल सरफेस जो है होना चाहिए जरूरी, नहीं तो क्या है बीज हम डालेंगे तो कोई बीज जो है बिल्कुल नीचे चला जाएगा तो वो क्या है जर्मिनेट हो ही नहीं पाएगा। जर्मिनेट तो हो जाएगा लेकिन क्या है ऊपर की तरफ जो है वो आ नहीं पाएगा, इसलिए क्या है ऊपर की जो लेयर है बिल्कुल बराबर जो है कर दीजिएगा, ये जरूरी है करना। इसके बाद अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन्स है तो वो ले सकते हैं या फिर फंजीसाइड का जो उपयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि जो पिटूनिया के बीज होते हैं काफी बारीक होते हैं तो जब हम स्प्रिंकल करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे हमने स्प्रिंकल किया, इसलिए ये पाउडर जो है लगाना बहुत जरूरी है जिससे क्या हमें पता लगे कि हमने स्प्रिंकल जो है कहाँ पे जो है बीजों के किया। तो आप फंजीसाइड का उपयोग कर सकते हैं, चाहे फंजीसाइड नहीं है तो आप सिंपल रूटिंग हार्मोन्स का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पिटूनिया के बीज निकाले, अभी चलिए देखते हैं किसमें कौन सा जो है कलर है। तो ये है मिक्स, ये देखिए इसमें जो है मिक्स कलर है, 3-4 कलर होंगे इसमें। तो इनको हम देखिए कैसे निकालना है। अब मैं क्या है इसमें क्या कर रही हूँ, मैं फंजीसाइड भी ले रही हूँ अब प्लस जो रूटिंग हार्मोन्स है उसका भी जो इस्तेमाल कर रही हूँ साथ के साथ। तो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में लेना है और बीजों को जो है बराबर कर देना है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जो है बालू होता है रेता वो भी जो है आप ले सकते हैं। तो अगर हम मिक्स कर देते हैं तो क्या है आसानी से जो है उठाने में जो है और स्प्रिंकल करने में जो इजी हो जाता है। तो ये देखिए मैंने फंजीसाइड भी ले लिया और रूटिंग हार्मोन्स भी ले लिया, अच्छी तरीके से बीजों को जो है लपेट देना है, इससे क्या है बीजों में जो है फंगस वगैरह जो है नहीं लगेगा। और रूटिंग हार्मोन्स मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि ये फटाफट जो है जर्मिनेट हो जाए, तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो मिलाने के बाद देखिए अब सिंपल क्या है हमने पॉट में स्प्रिंकल कर दिया है और पानी देखिए हम पहले से रेडी करके रखना है। पानी इनमें क्या है मैंने फंजीसाइड जो है मिला के रखे हैं, और आप चाहे तो स्प्रे बोतल का हेल्प ले सकते हैं या फिर स्प्रे बोतल नहीं है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, बोतल को में जो ढक्कन होते हैं उसके बारीक बारीक से छेद बना दीजिए, स्प्रे बोतल जो है बन जाएगा। और डालने से पहले देखिए ये बारीक वाले सीड होते हैं इसलिए वाटरिंग जो है आप पहले कर लीजिए अच्छे तरीके से प्रॉपर। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या है प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है इनको पानी दे दिए, पौधों को बोल रही हूँ गमले में पानी दे दिए हैं। अब बीजों को लेना है कुछ इस तरीके से और स्प्रिंकल करते जाना है। स्प्रिंकल करने के बाद क्या है ऊपर से टॉप लेयर हल्की सी जो है हमने परत जो है कोकोपीट की जो है चढ़ा देंगे या फिर जो भी आप सोयल मीडिया यूज कर रहे हो उसका। और 2 तरीकों से आप लगा सकते हैं, एक तो ये तरीका हो गया आप क्या है पहले पानी दे देंगे उसके बाद बीजों को स्प्रिंकल करेंगे उसके बाद एक लेयर से कवर कर देंगे। दूसरा तरीका है बिना पानी दिए हुए पहले आप बीजों को लगा लीजिए, जब बारी आएगी पानी देने की तब आपने क्या करना है जो पॉट है उसको किसी बड़े गमले में या बड़े कंटेनर में रख के बॉटम होल के थ्रू जो है आप पानी दे सकते हैं, जिससे क्या है बीज जो है अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे, हिलेंगे नहीं। तो इन 2 तरीकों से जो है आप इनकी सीडलिंग कर सकते हैं। ये पहला वाला जो दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ बॉटम होल के थ्रू पानी देना वो ऑलरेडी जो है मैं शेयर कर चुकी हूँ वीडियो, तो आप चेक करके कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास अभी मार्किंग के लिए कुछ है नहीं तो क्या है मैं पॉट पे ही जो है परमानेंट मार्कर है इससे मैं लिख दे रही हूँ, और ये बड़ी आसानी से जो है जो नेल रिमूवर होते हैं उनसे जो है स्प्रिट जो होता है उससे मिट जाते हैं, तो वो ऑलरेडी सबके पास होता ही है। तो जब ये
काम हो जाएगा इसका बीजों का, तब मैं क्या है इनको रिमूव कर दूंगी, कुछ और लगाना होगा तब मैं दोबारा से मार्क कर सकती हूँ। तो आप चाहे तो किसी भी चीज से आप मार्किंग कर सकते हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब कि मार्क जरूर कर लीजिएगा, तभी पता चलेगा ना फ्यूचर में कि हमने कौन सा बीज जो है किस कंटेनर में लगाया हुआ है, और डेट जरूर मेंशन कीजिएगा, तभी इससे पता आइडिया चल जाएगा कि कितने दिन के बाद जो है ये जो सीड है जर्मिनेट हो रहा है। और ऑनलाइन जो सीड होते हैं वो थोड़े लेट जर्मिनेट होते हैं, और ये तो मेरे गार्डन के लास्ट ईयर के ही सीड है जिनको मैंने सेव करके रखे हुए हैं। तो देखिए एक तो लगा दिया हमने, इसी तरीके से जो है मैं सारे के सारे जो है बीज लगा देती हूँ। और इसमें देखिए दो, एक तो पिटूनिया जो सिंपल पिटूनिया होता है बिल्कुल व्हाइट कलर के, जो आपने देखा होगा अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो, व्हाइट कलर के फूल बहुत ही ज्यादा मात्रा में आते हैं, मान लीजिए देसी वैरायटी के बहुत ज्यादा ये टॉल में भी चले जाते हैं। तो इसमें देखिए एक और वैरायटी का जो है फूल है, फूलों का नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम पे, तो इनको भी क्या है मैं पिटूनिया जो व्हाइट पिटूनिया है और ये बीज जिसमें येलो कलर के क्यूट से जो है छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं, तो फ्यूचर में आप देखिएगा। तो इन सभी को क्या है मैं इकट्ठे जो है लगा दे रही हूँ, और बाकी जो है पिटूनिया के बीज जो है मैं ज्यादा लगाऊंगी। मेरे पास जो है वैरायटी है अभी दो वैरायटी है, एक तो बिल्कुल सॉलिड में जो फ्लावर आते हैं वो है पर्पल में है और ब्लू कलर में है, और बाकी जो है स्टार पिटूनिया है जिसमें क्या है रेड और व्हाइट स्टार, आपने देखा होगा स्टार पिटूनिया किस तरीके से होते हैं, दो कलर में आते हैं, तो रेड व्हाइट में है और दूसरा जो है पर्पल और तीसरा जो है ब्लू और पिंक में है। तो ये सारी की सारी जो है मैंने बीज जो है लगा दूंगी। अब इसके साथ जो है मैं और दो बीज लगाऊंगी, वो है दोस्तों एक तो हो गया डहेलिया का, अगर बीज के थ्रू डहेलिया की लगाते हैं पौधे तो उनके फ्लावर थोड़े छोटे छोटे से जो आते हैं और सिंगल पेटल में आते हैं। लास्ट ईयर मेरे पास डबल पिटूनिया के भी जो है फ्लावर थे पिंक में और व्हाइट में, बट क्या है उसके बीज जो है बने नहीं, और मैं जो है बीज जो है नहीं उसके जो है सेव कर पाई क्योंकि बीज बने ही नहीं थे। तो डबल पेटल के क्या है मैं इस साल जो है दो तीन प्लांट जो है नर्सरी से जरूर परचेज करूंगी, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल जो है डबल पेटल के पिटूनिया के फ्लावर जो है लगते हैं, बहुत ज्यादा जो है बुशी हो जाते हैं अगर हम सही तरीके से केयर करें तो उसकी। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये है डहेलिया के, ये डहेलिया के बीज है, ये भी जो है लास्ट ईयर से ही जो है फूलों से मैंने इकट्ठा किए हैं। अब इनको देखिए इनमें फंजीसाइड मिला के मैंने सिंपल क्या है इनमें जो है फैला दिया, देखिए जहां जहां दो या तीन इकट्ठे बीज हैं उनको हम हाथों के थ्रू जो है बराबर कर देंगे, क्योंकि ये थोड़े से बीज जो है बड़े हैं तो इनको ऊपर से अच्छे तरीके से जो है कवर कर देंगे ताकि कोई भी बीज जो है ऊपर की तरफ जो है ना आए, देखिए कुछ इस तरीके से। और कवर करने के बाद मिट्टी की जो ऊपर की सरफेस है आराम से जो थोड़ी बहुत जो टैप कर देंगे, बिल्कुल हल्की हल्के हाथों से, ज्यादा दबाना नहीं है जोर से, बिल्कुल हल्की हल्की हाथों से जो है टच करके बराबर कर देना है। उसके बाद जो है हम इनमें पानी दे देंगे, पानी तो हमने पहले दिया है फिर भी हमने ऊपर से थोड़ा थोड़ा जो है करके बिल्कुल स्लो मोशन में जो है पानी देना है ताकि बीज जो है अपनी जगह से जो है मूव ना कर पाए, देखिए कुछ इस तरीके से, या फिर स्प्रे बोतल की हेल्प से जो है आप पानी दे सकते हैं। तो अगले बीज लगाएंगे हम गजानिया का, गजानिया भी विंटर का बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है, बड़ी इजी टू केयर है और बड़े आसानी से इसके बीज जो है जर्मिनेट हो जाते हैं। सो आप देखा होगा आपने कुछ इस तरीके से जो है इसके बीज होते हैं, कुछ मोड़े मोड़े से सिकुड़े से जो है दिखाई देंगे। और अगर आप मैरीगोल्ड अपने गार्डन में नहीं लगाना चाहते हैं तो आप कैलेंडुला को जो है अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं, बड़े अच्छे से जो छोटे छोटे कंटेनर में, मैंने लास्ट ईयर क्या सॉफ्ट ड्रिंक के जो बोतलें होते हैं उनमें लगाए थे, हॉरिजॉन्टल करके वर्टिकल में भी लगाए थे, बड़े आसानी से जो है इन्होंने मुझे फूल दिए, बहुत ही ब्यूटीफुल जो है लगते हैं, गार्डन को जो है सजाने में आप जो एक रोक की तरह जो है आप इन पौधों को लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितने सारे जो है बीज है मेरे पास। अब इसमें भी क्या है थोड़े से फंजीसाइड मिला लेते हैं और अच्छे तरीके से बीजों में जो है मिला के, और इसको क्या है हम सिंपल सा जो है लगा देंगे सेम मेथड से। अब देखिए ये बीज तो है थोड़े थोड़े बड़े, पहले तो हमने बीज लगाए वो थोड़े बिल्कुल बारीक बारीक बीज थे, इसलिए हमने ऊपर की जो टॉप लेयर है बिल्कुल हल्की हल्की सी कवर की, लेकिन ये बीज थोड़े से बड़े बड़े थे तो जितने बड़े साइज के बीज है उतने ही जो है हमें क्या है ऊपर की जो लेयर है उनको मिट्टी से कवर करेंगे, यानी कि बीज लगाने का एक ही रूल होता है दोस्तों, साइज में जितने बड़े बीज है उतना ही क्या है आप मिट्टी के अंदर उनको दबाए। तो ये थोड़े से बड़े हैं तो ऊपर से थोड़ी सी जो है लेयर जो हम चढ़ा देंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आप बीजों को लगाइए, लेकिन सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि आप लगाने के बाद इन पॉट को रखेंगे कहाँ, आप इन पॉट को क्या शेमी शेड में रखेंगे, धूप जो है डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए इन कंटेनर्स पे। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ, देखिए
क्या है, एक टेम्परेरी सा जो है मैंने प्लांट स्टैंड बना रखा है और नीचे शेड आ जाता है। तो मैंने क्या है इन सभी पॉट को जो है मैंने वहां प्लेस कर दिया है और ऊपर से क्या है एक कपड़े की सहायता से जो है कवर कर दिया ताकि उसमें जो है डायरेक्ट सनलाइट जो है ना पहुंचे। देखिए कुछ इस तरीके से जुगाड़ करके, या फिर आप चाहे तो सिंपल जो पॉट है उसके ऊपर न्यूज़पेपर से जो है कवर कर सकते हैं और सेमी शेड में रख सकते हैं। इससे अंदर ह्यूमिडिटी बनी रहेगी और जो है सनलाइट डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएगी, तो पौधे जो है आराम से जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होने के बाद इनको जो है ब्राइट लाइट में जो हमने निकाल देना और धीरे धीरे जो है हम इनको सनलाइट्स में जो है लेके आएंगे धीरे धीरे हल्के हल्के।